हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी रेसिपी। कीमा मेथी और आलू की सब्ज़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाना भी बहुत आसान है। चलिए हम बहुत इजी तरीके से आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप। वीडियो मेरी पूरी देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, अब इसमें ऑयल डाल देंगे। 60 ml मैंने ऑयल ले लिया है, आप जो भी ऑयल पसंद करते हैं वो डाल लीजिए। अब कुछ मसाले मैंने ले लिया है, 1/3 teaspoon हमने लिया है ज़ीरा, एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, एक छोटा टुकड़ा जावित्री और 4-5 दाना लिया है काली मिर्च और 2 छोटी इलायची, 2 लौंग। एक सेकेंड चला लेंगे मसालों को। अब हम इसमें ऐड करेंगे, एक बड़े साइज़ की मैंने ले लिया है, ये मैंने प्याज एक बड़े साइज़ की ले लिया है, इसको मैंने रफली फाइन काट लिया है और इसको फ्राई कर लेंगे। प्याज मेरी गोल्डन हो गई है, ये देखिए लाइट गोल्डन हुई है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 teaspoon हमने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डाल देंगे हम एक बड़े साइज़ का मैंने टमाटर ले लिया था बीज निकाल के। टमाटर के गल जाने तक हम इसमें इसको पकाएंगे। एक मिनट हम टमाटर को अच्छे से पका लेंगे ताकि टमाटर हमारा गल जाए। इसको ढक देंगे। चलिए देख लेते हैं, टमाटर मेरा गल गया है, ये देखिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1 teaspoon डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 teaspoon भुना कूटा जीरा, 1 teaspoon नमक और 1 teaspoon हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। मसालों को हम भून लेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे मसाले मेरे वरना जल जाएंगे। मसाले मैंने भुन गए हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 100 ग्राम मैंने लिया है मेथी, इसको मैंने अच्छे से धुल के और बिल्कुल बारीक काट लिया है। मेथी को हम मसाले में पका लेंगे। जितनी मेथी मैंने डाला है ना, ये बिल्कुल बहुत ही परफेक्ट रेशियो है, आप इसी तरह से बनाइएगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी 1/2 cup। पानी डाल देने से ना मेथी मेरी थोड़ी सी गल जाएगी, तो हमको मेथी गलाना है। कढ़ाई को हम ढक देंगे और इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट। ये देखिए मेथी मेरी गल गई है, पानी भी सूख गया, ऑयल एकदम बिल्कुल मेरा ये देखिए सेपरेट हो चुका है। हम इसमें ऐड कर देंगे कीमा,
ये मैंने मटन कीमा लिया, मोटा लिया है क्योंकि कीमा बना रहे ना तो कीमा थोड़ा सा मोटा होता है तभी अच्छा लगता है। तो इसको अच्छे से मैंने वॉश करके रख दिया था स्टेनर में, पानी इसका निकल गया है। अब इसको इसमें हम चलाएंगे, एक एक से दो मिनट हम इसको चला लेंगे जिससे कि कीमे में जो कच्चापन है ना वो निकल जाए और जो स्मेल होती है वो भी निकल जाती है। कीमे को दो मिनट हम भून लेंगे। ये देखिए कीमा मेरा भुन गया है, क्योंकि हम कढ़ाई में बना रहे हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, लेकिन बहुत टेस्टी बनता है। ये मैंने चार मीडियम साइज़ के आलू ले लिया था जिसके मैंने 20 से हाफ कर लिया है। जिस साइज़ का आप डालेंगे डाल सकते हैं, लेकिन बड़ा डालिएगा ना तो थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में तो कुछ नहीं। नहीं आलू डालने के बाद भी हमको एक मिनट फ्राई कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 200 ml मैंने पानी ऐड कर दिया है इसमें। अगर आप इसको कुकर में बनाएंगे तो कम पानी लगेगा, कढ़ाई में बनाने में थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, लेकिन टेस्टी बहुत बनता है कीमा। ये पानी डालने के बाद हम चला लेंगे। अब उसके बाद अब हम इसको ढक देंगे, कवर करके हम 5 से 6 मिनट इसको पका लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो चुका है। अब कीमे की हम भुनाई कर लेंगे। आलू भी मेरा बिल्कुल गल गया है। हाफ टी स्पून डाल देंगे इसमें गरम मसाला। थोड़ी सी धनिया का पत्ता डाल देंगे। धनिया का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है, अगर आपको पसंद हो धनिया तो डाल दीजिएगा। कीमा मेरा रेडी हो गया है। अब हम इसको ढक देंगे, एक मिनट हम ढक के पका लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बहुत ही मज़ेदार आलू कीमा मेथी बनकर तैयार हो गया है। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनता है। एक बार इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।